नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कहानी लेकर आई हूँ यह एक बड़ी कथा है। इस कहानी को मैंने अपनी नानी से सुना था बचपन में। शायद आप लोगों ने भी ऐसी कहानी सुनी होगी अपनी दादी या नानी से या मम्मी से। इसलिए बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए चलते हैं इस दुनिया में। और अगर आपकी दादी या नानी या मम्मी आपसे बोलती थी कि हाँ कहानी तो सुनाएंगे लेकिन हुकारी भरना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि आपने इस कहानी का आनंद लिया, इस कहानी को एंजॉय किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और भी ऐसी कहानियाँ एंजॉय करने के लिए शुरू करते हैं। सुदूर कुंतल देश के महाराजा रणजीत सिंह के सात बेटे थे। सातों बेटे वीर, पराक्रमी और सुंदर थे। महाराज भी जनता के हितैषी थे। राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी, समस्त जनता सुखी थी। महाराज के बेटे अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके राजमहल आ रहे हैं। आज पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी हैं, रंगीन पतकाओं और झालरों से महल सजा हुआ है। महाराज अपने कक्ष में बैठे हैं, साथ में मंत्री गण भी। तभी दरबान आता है। दरबान बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज सातों राजकुमार महल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने ही वाले हैं। महाराज बोलते हैं, क्या बहुत खूब, चलिए चलिए उनका स्वागत किया जाए। सभी महाराज के साथ महल के दरवाजे पर उपस्थित होते हैं। सातों राजकुमार रथों पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। जनता छतों से फूल बरसा रही है। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही है। द्वार पर महारानी आरती का थाल लिए खड़ी हैं। सातों राजकुमार रथों से उतरते हैं और अपने माता पिता का चरण छूते हैं। महारानी उनकी आरती उतारती हैं। महाराज बोलते हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे वीर राजकुमारों, आइए अंदर आइए। महारानी बोलती है, कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूँ, भगवान इनको बुरी नजर से बचाए। सभी महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर सुशील वीर थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह सबसे ज्यादा दिलेर होशियार और पराक्रमी था। सभी लोग अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं, भोजन का आनंद लिया जा रहा है। महाराज बोलते हैं, बहुत दिनों बाद आज अपने पुत्रों के साथ भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। महारानी बोलती हैं, बिल्कुल सही कहा महाराज। सबसे बड़ा राजकुमार महेश सिंह बोलते हैं, पिताजी महाराज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी भोजन का आनंद लेते हैं और फिर अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। महारानी पलंग पर लेटी हुई हैं, महाराज से कहती हैं, महाराज अपने पुत्र अब जवान हो चुके हैं, उनके विवाह के विषय में हमें सोचना चाहिए। महाराज बोलते हैं, सही कह रही हैं महारानी, अब हम जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह करके कर्तव्य मुक्त होना चाहते हैं। हम कल ही पुरोहित से कहकर सुयोग्य का राजकुमारियां ढूंढने को कहते हैं। अगले दिन महाराज पुरोहित को बुलाते हैं। पुरोहित बोलते हैं, महाराज की जय हो, कहिए महाराज क्या आज्ञा है। महाराज बोलते हैं, पुरोहित जी हम चाहते हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए आप सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढें। पुरोहित जी बोलते हैं, जी महाराज राजकुमारियां तो बहुत है मेरी दृष्टि में। राजकुमारों की ख्याति सुनकर कई देशों से राजा अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है पुरोहित जी, आप महारानी को राजकुमारियों को विवरण दीजिए, वो ही पसंद करेंगी। जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। पुरोहित जी चले जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद राजगढ़ के महाराज अपनी पुत्रियों का रिश्ता महाराज रणजीत सिंह के यहाँ भिजवाते हैं। पुरोहित बोलते हैं, महाराज राजगढ़ के महाराजा अपनी तीनों पुत्रियों और अपने भाई की तीनों पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने कुंडली मिलान भी कर लिया है, महाराज सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है, परंतु महाराज बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या पुरोहित जी? पुरोहित बोलते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का योग अभी नहीं बना है, इसलिए उनका विवाह अभी संभव नहीं है महाराज। महाराज बोलते हैं, कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप राजगढ़ महाराज को हमारा संदेश भिजवाएं और कहें कि हमें रिश्ता मंजूर है। मंत्री जी विवाह की तैयारी कीजिए। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारी होने लगती है। पूरा महल फूलों और रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। चारों तरफ दास दासियां भाग भाग कर काम कर रहे हैं। मंत्री गण तैयारियां करवा रहे थे, उधर महल में सातों राजकुमार तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह को छेड़ते हुए बोला, बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है, देखो बलि का बकरा बनने से बच गया। तभी चौथे नंबर का राजकुमार बोला, हाँ भाई, अब तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी, और सभी हंसने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह बोला, भाई मैं भी शादी करूंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत राजकुमारी से। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, अच्छा जी, ऐसी कौन सी फूलमती रानी लाओगे? विक्रम सिंह बोला, फूलमती रानी ये कौन है? दूसरे नंबर वाला राजकुमार जब तक जवाब देता, एक दासी वहां आ गई और बोली, राजकुमारों को प्रणाम, आप सभी को महाराज बुला रहे हैं, बारात निकलने का समय हो रहा है। सबसे बड़े राजकुमार बोले, हम तैयार हैं, अभी पहुंचते हैं। दासी चली जाती है, राजकुमार बाकी राजकुमारों से मुखातिब होते हुए बोले, चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं, सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। बहुत ही धूमधाम से छह राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है। राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने कुंतल देश पहुंचते हैं। वहां राज्य में राजकुमारों और उनकी पत्नियों का जोरदार स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहू बहुओं को लेकर महल में आती हैं और रीति रिवाज पूरे करवाती हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, ऐसे ही हंसी खुशी समय व्यतीत होता है। एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती हैं, महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, क्या हम कुलदेवी के दर्शन और कुछ तीर्थ दर्शन कराए? महाराज बोलते हैं, विचार तो उत्तम है महारानी, लेकिन अभी सबसे छोटे राजकुमार विक्रम का विवाह होना बाकी है, अभी कैसे हम तीर्थ पर चल सकते हैं? महारानी बोलती हैं, मैं जानती हूँ महाराज, लेकिन राज पुरोहित ने अभी विवाह का योग नहीं बताया है, हम कुछ दिन बाद ही लौट आएंगे, मेरा मन बहुत कर रहा है कुलदेवी के दर्शन को। महाराज बोलते हैं, ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर तैयारी करवाते हैं। अगले दिन यात्रा की तैयारी कर महाराज और महारानी निकल जाते हैं। जाते समय वे बड़े राजकुमार और उनकी पत्नी को राज्य और महल की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बाकी बेटों और बहुओं का ध्यान रखने की हिदायत देकर चले जाते हैं। सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी अपने देवरों और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि एक दिन तीसरे और चौथे नंबर की रानी आपस में बात कर रही थी राजकुमार विक्रम के बारे में। तीसरी रानी बोली, राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी हैं,
जब भी उनके विवाह की बात करो तो कहते हैं आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। चौथी रानी बोलती है, हाँ भाई, जैसे फूलमती रानी लाएंगे, और दोनों जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। उनकी बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली, परंतु वे इस पर मुस्कुरा कर रह गए। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, परंतु विक्रम वहाँ नहीं थे। बड़े राजकुमार ने पूछा तो दासियों ने बताया कि वे महल में नहीं है। खैर, भोजन के बाद सभी अपने कमरे में आराम के लिए चले गए। वैसे तो सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने तीसरी और चौथी रानी से कहा कि देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करा देना। ये कहकर वो अपने कक्ष में चली गई। दोनों रानी वहाँ विक्रम का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह आ गए, उन्होंने भोजन परोसने को कहा। दासियां भोजन परोसने लगी, तभी तीसरी रानी चौथी रानी को आंख मारते हुए विक्रम से बोली, क्यों राजकुमार जी कहाँ थे? हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार भोजन करते हुए बोले कि हम जंगल गए थे। तभी चौथी रानी बोली, जंगल में क्यों? क्या अपने लिए पत्नी ढूंढने गए थे? और दोनों हंसने लगे। राजकुमार समझ गए कि ये लोग मेरी हंसी उड़ा रही हैं। वो भी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ, फूलमती रानी को ढूंढने गया था मैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। राजकुमार फिर बोले, देखना भाभी, आपकी देवरानी तो फूलमती रानी ही बनेगी। ये कहकर राजकुमार वहाँ से चले गए। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कक्ष के छज्जे में खड़े थे और कुछ सोच रहे थे, तभी बड़ी रानी आई और बोली, ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है राजकुमार विक्रम। विक्रम चौंक कर पलटा और बोले, अरे भाभी, आप अब कैसी है आपकी तबीयत? बड़ी रानी बोली, ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, आज आपको भोजन नहीं करवा सकी। अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, विक्रम बोले। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे थे? बड़ी रानी बोली। विक्रम बोले, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए देवरानी ले ही आऊं। बड़ी रानी बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है ढूंढ ली है आपने हमारी देवरानी। कौन है वह? विक्रम शर्माते हुए बोले, राजकुमारी फूलमती। क्या, यह क्या कह रहे हो आप? राजकुमार, यह नहीं हो सकता, बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली। फिर राजकुमार विक्रम बोले, क्यों नहीं भाभी, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? बड़ी रानी समझाते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे विक्रम, फूलमती से विवाह करना आसान नहीं है। वो सात समंदर पार रहती हैं, इतनी दूर जाना सरल नहीं है, रास्ते में चोर, लुटेरे, जंगली जानवर और मायावी मिलेंगे, आप कैसे निपटोगे इन सब से? विक्रम बोले, भाभी, मैंने प्रण कर लिया है, अब चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मेरी जान चली जाए, पर मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। यह पागलपन है विक्रम, और अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगी। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। रात गुजर गई। दूसरे दिन विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई को अपनी इच्छा बताई और जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने विक्रम को अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमार विक्रम की जान संकट में पड़े। लेकिन राजकुमार विक्रम ने मन में ठान ली थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गए और देश जाने की तैयारी करने लगे। दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगे।
उन्होंने अपनी योजना अपने परम मित्र चंदन को बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था और बचपन से ही राजकुमार का मित्र था। वैसे तो वो बहुत ही डरपोक था, पर अपने मित्र पर कोई संकट नहीं आने देना चाहता था। उसने विक्रम को बहुत समझाया, पर विक्रम के ना मानने पर उसने भी साथ में चलने की जिद कर ली। हारकर विक्रम को उसे अपने साथ रखना पड़ा। अब दोनों मित्रों ने चलने की योजना बनाई और रात गहराने का इंतजार करने लगे। रात गहराते ही विक्रम और उनके दोस्त चंदन निकलने को तैयार हुए। विक्रम बाकी भाइयों के कमरे में देखा, वे सब गहरी नींद में सो रहे थे, दरबान भी झपकी ले रहे थे। दोनों चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल गए। जैसे ही वे अपने राज्य की सीमा से बाहर हुए, उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ा दिए। चलते चलते वे थक गए। चंदन हाफते हुए बोले, राजकुमार अब नहीं चला जाता, बहुत थकान हो गई है। राजकुमार भी थोड़ा थकान भरे लहजे में बोले, हाँ मित्र, थक तो गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हो गई, चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी विहार कर रहे थे। विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठे, उन्होंने चंदन को देखा तो चंदन मुंह खोले सो रहा था। राजकुमार को शरारत सूझी, उन्होंने चंदन के नाक में एक पत्ता घुसाया तो चंदन घबरा कर उठ बैठा और बोला, ये क्या मजाक है मित्र, ऐसे किसी को जगाते हैं क्या? राजकुमार हंसने लगे और बोले, जागो मेरे दोस्त, चलो सुबह हो गई है, अभी हमें बहुत दूर चलना है। चंदन रूठते हुए बोले, रात भर तो चले हैं मित्र, अब तो जब तक कुछ खा पी नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विक्रम हंसते हुए बोले, ठीक है मित्र, चलो खाने की कुछ व्यवस्था देखते हैं, चलो देखते हैं आगे शायद कोई गांव मिल जाए। वो थोड़ी दूर चले, उनको एक गांव दिखाई दिया। दोनों ये बात तय कर रखी थी कि हम लोग किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, एक साधारण यात्री बनकर ही लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंचे, उन्हें एक गांव वाला मिला। चंदन ने उनसे खाने पीने की जगह पूछी। गांव वाले ने घर की तरफ इशारा किया और चल दिया। दोनों उस घर की तरफ चल दिए। दोनों मित्र घर के सामने खड़े हो गए। कच्चा घर था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, मिट्टी से पूती दीवारें थी। बाहर आंगन में एक और रंग बिखरे फूल खिले हुए थे। दूसरी तरफ बड़ा सा बरगद का पेड़ था। चंदन ने आवाज लगाई, कोई है? कोई है क्या? इतने में एक पतला दुबला सा लड़का निकला। देखने में वो लड़का कम, लड़की ज्यादा लग रहा था। अपनी महीन आवाज में बोला, कहिए क्या काम है? चंदन मुस्कुराते हुए बोले, जी हमें भोजन चाहिए, हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं। लड़के ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, ठीक है, मिलेगा भोजन, परंतु दाम चुकाना पड़ेगा। दोनों ने हामी भरी। लड़के ने उनको स्नान आदि के लिए जगह बता दी और खुद भोजन की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद ही भोजन तैयार हो गया और वे लोग भोजन करने लगे। बात करते हुए लड़के ने उनका यात्रा करने का कारण पूछा तो विक्रम ने उससे सब कह सुनाया। ये सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया और बोला, देखिए फूलमती रानी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसमें जान का भी खतरा है, रास्ता बहुत ही खराब और दुर्गम है। विक्रम ने बोला, मित्र अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, विवाह तो फूलमती से ही करूंगा। भोजन के बाद दोनों मित्र सो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन लोगों ने चलने की आज्ञा मांगी। लड़का बोला, मित्रों मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। चंदन बोला, मित्र हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं,
तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। विक्रम ने सहमति जताई पर वो लड़का ना माना। उसने बताया कि वो भी तलवार चलाना घुड़सवारी जानता है और मदद भी हो जाएगी। उसकी जिद करने पर वो लोग उसे भी ले जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने खाने पीने का सामान बांधा और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। चलते चलते तीनों एक घने जंगल में पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थी। कलकल करती नदी भी बह रही थी। तीनों आराम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार विक्रम आवाज की दिशा में दौड़े। आवाज का पीछा करते हुए वो और भी घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक बकरी शेर की चपेट में है। वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि आवाज तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वह बकरी भी चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार ने फुर्ती से शेर पर वार कर दिया। थोड़ी ही देर में शेर ढेर हो गया। बकरी मिमियाते हुए राजकुमार के पास आई। पास आते ही वो एक सुंदर परी में बदल गई। विक्रम उसे देखते ही रह गए। उसने विक्रम से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ और फूलमती रानी से विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। परी बोली, राजकुमार विक्रम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत ही कठिन कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए तुमको एक जादुई अंगूठी दे रही हूँ। इस अंगूठी की यह खासियत है कि जब भी तुम इसे पहनोगे तुम गायब हो जाओगे, किसी को नहीं दिखोगे। ये लो। राजकुमार अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने परी का धन्यवाद किया। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ गई। तभी चंदन और वह लड़का विक्रम को ढूंढते हुए आए और बोले, राजकुमार, आप यहाँ चले आए और हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। राजकुमार ने उनको परी वाली बात बताई और वह जादुई अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर वे दोनों भी खुश हुए। चंदन बोले, चलो राजकुमार, इसकी परीक्षा ले। विक्रम ने वो अंगूठी पहन ली और पहनते ही विक्रम अदृश्य हो गए। दोनों विक्रम चिल्लाने लगे। अंगूठी उतारते ही विक्रम दिखने लगे। तीनों बहुत खुश हुए। लड़का बोला, राजकुमार, यह अंगूठी आपके बहुत काम आएगी। तीनों अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दी। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था, इसलिए तीनों घोड़ों की लगाम पकड़कर चलने लगे। तीनों पहाड़ियों पर चले जा रहे थे। यह इलाका डाकुओं के लिए कुख्यात था। तभी अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। पहले तो तीनों घबरा गए इस अचानक हुए हमले से, पर फिर संभल भी गए। तीनों ने भी अपनी तलवार निकाल ली और डाकुओं से भिड़ गए। डाकू संख्या में ज्यादा थे, फिर भी तीनों बराबर उनसे मोर्चा लिए हुए थे। अचानक लड़ते हुए विक्रम को अंगूठी की याद आती है। वो उसे अपनी जेब से निकाल कर पहन लेते हैं। पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। सबसे पहले वो एक डाकू को लात मारता है, लेकिन डाकू को अपने पीछे कोई नहीं दिखता। तभी उस डाकू के गाल पर थप्पड़ पड़ता है। वह फिर देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। अब तो वह डाकू डर जाता है और भागने लगता है। फिर विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में मारकर वह उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। वो हैरान हो जाता है, फिर कोशिश करता है, लेकिन तलवार हाथ नहीं आती। वो थक कर एक जगह बैठता है कि तभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। वो वहीं से बेहोश हो जाता है। विक्रम को ऐसा करने में बहुत मजा आने लगता है।
वो दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकू घेरे हुए थे। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा था। इतने में राजकुमार एक डाकू की धोती खींचता है, धोती खुल जाती है। डाकू शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है। लड़का ये देखकर बहुत हंसता है। सभी हंसने लगते हैं। तभी डाकू देखते हैं कि हवा में तलवार उड़ रही है। कभी किसी डाकू के थप्पड़ पड़ जाता तो कभी किसी को लात। वो सब इसे भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। अब विक्रम वापस दिखाई देने लगते हैं। चंदन खुश होकर कहता है, मित्र विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली। ये तो बड़े काम की चीज हाथ लग गई। गांव वाले लड़के ने भी सहमति जताई। अब तीनों आगे बढ़ चले। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई दिया जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। जंगली फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर नजारा लग रहा था। तीनों का दिल खुश हो गया। राजकुमार ने कहा, मित्रों देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो कुछ आराम कर लिया जाए और हाँ, सबसे पहले स्नान किया जाए। उन डाकुओं से लड़कर पसीने से शरीर तर बतर हो गया है। चंदन ने भी अपनी सहमति जताई। लेकिन वह गांव वाला लड़का बोला, आप लोग नहा लो, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। चंदन का थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, अरे हमारे साथ स्नान करने में क्या परेशानी है? स्नान करने से थकावट दूर हो जाएगी, आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उसको पानी में खींचने लगा। लड़का घबराकर हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया और बोला, मुझे नहीं नहाना, आप लोग नहाइए। विक्रम बोला, रहने दो चंदन, क्यों परेशान कर रहे हो हमारे बेचारे को, उसका मन नहीं है। चंदन हंसने लगा। दोनों मित्र झरने में स्नान का आनंद लेने लगे। लड़का उनके लिए कुछ जंगली फल लेकर आया। सहसा उसने देखा कि एक पानी वाला सांप उन दोनों की ओर बढ़ रहा है। विक्रम तो थोड़ी दूरी पर तैर रहा था, पर चंदन के पास लगभग सांप जा चुका था। लड़के ने आंव देखा ना ताव, तुरंत पानी में कूद गया और उस सांप को उठाकर दूर पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। चंदन एकदम हुए इस घटना से चौंक गया। उसने लड़के की तरफ देखा तो आंखें फटी रह गई। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहा था जो कि अब लड़की में बदल गया था। उसके लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। चंदन हकलाते हुए बोला, तुम तो लड़के थे ना? लड़की के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई और बोली, हाँ मैं एक लड़की हूँ और लड़का बनकर गांव में रह रही थी। राजकुमार भी वहाँ पर आ गए और लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमार बोले, तुम्हें लड़का बनकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई? लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या आप सुनोगे? मेरी मदद करोगे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी पत्थर पर बैठ गए। बोली, दरअसल हम नंदनपुर रहते थे जो कि रानी फूलमती के देश मालवगढ़ से कुछ ही दूर पर था। मेरे बाबा वहाँ पर राज्य वैद्य थे। दोनों राज्यों में अच्छी दोस्ती थी। मेरे बाबा दोनों राज्यों के बीमारियों की सेवा करते थे, पर मालवगढ़ का मंत्री बहुत बेईमान था। वो मालवगढ़ पर राज्य करना चाहता था क्योंकि राजा के कोई बेटा नहीं था। वो फूलमती रानी से विवाह करके राज्य को हड़पना चाहता था। राजकुमारी से उसका विवाह हो नहीं पा रहा था। उसने राज्य को हड़पने का दूसरा उपाय सोचा। उसने राजा के खाने में कोई जहरीली दवा मिला दी। दवा ज्यादा जहरीली नहीं थी, इससे केवल राजा की तबीयत खराब हो गई। मेरे पिताजी के पास सैनिक भागे भागे आए।
मेरे पिताजी तुरंत उनके पास चले गए, उन्होंने राजा को दवा दी, राजा को उस दवा से आराम हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरी दवा देनी थी, पिताजी वहीं रुक गए, राजा सो रहे थे, थोड़ी देर बाद उनको होश आया, पिताजी ने उनको दूसरी दवा पिला दी। कुछ ही देर में राजा तड़पने लगे और मर गए। मंत्री ने हल्ला मचा दिया कि वैद्य ने राजा को जहर दे दिया, पूरे राज्य में ये बात फैल गई। पिताजी को दोषी मानकर कारागार में डाल दिया गया। मेरे पिताजी ने अपनी बहुत सफाई दी, पर किसी ने एक ना सुनी। राजकुमारी फूलमती अपने पिता के गम में उदास हो गई, उनका राजपाट से जी उठ गया, मंत्री के मन की बात हो गई। उसने राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, इतना कहकर लड़की चुप हो गई। विक्रम ने सवाल किया, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आई और लड़का बनकर क्यों रह रही थी? लड़की बोली, मजबूरी, मजबूरी राजकुमार, मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए मंत्री के पास गई, लेकिन उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। राजकुमार, हमारी फूलमती भी मेरे पिता को ही दोषी मानती हैं। फिर मैं पिताजी को छुड़ाने के लिए कारागार छुप कर गई, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। मैं वहाँ से जान बचाकर भाग निकली और बचते बचते यहाँ आ गई। जमाने की बुरी नज़र से बचने के लिए लड़का बनकर रहने लगी, तभी आप लोग मिले, मुझे अपने पिताजी को छुड़ाने की उम्मीद पूरी होती नजर आने लगी, इसलिए मैं आपके साथ होली, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विक्रम ने पूरे जोश के साथ कहा, अवश्य, हम आपके पिताजी को छुड़ाने में आपकी सहायता करेंगे। परंतु आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिता को फंसाया गया है? लड़की बोली, जब मैं अपने पिता को छुड़ाने कारागार में गई थी, मेरे पिता ने मुझे ये बात बताई। अपनी जीत की खुशी और राजगद्दी के घमंड में मदिरा के नशे में मंत्री ने यह बात मेरे पिताजी को कह दी। उसने उस दिन की पूरी घटना मेरे पिताजी को बताई। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, विक्रम बोले। वो लोग चलने लगे तो चंदन लड़की से बोला, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हमारा नाम सुमन है। चंदन बोला, ओह सुमन, वो क्या नाम है? नाम से ही खुशबू आ रही है, और दांत निकालने लगा। सुमन और विक्रम ने एक साथ घूर कर देखा तो चंदन घबरा गया और बोला, चलो भी ऐसे क्या घूर रहे हो? तीनों आगे के सफर पर आगे बढ़ गए। तीनों अपने अपने घोड़े लेकर निकलते हैं। रास्ते में कई जंगल, पहाड़, नदियों को पार करते हुए वो एक समुद्र के आगे रुके। तीनों समुद्र को निहार रहे थे। तभी सुमन बोली, आगे क्या विचार है राजकुमार? इस समुद्र को पार करके ही रानी फूलमती तक पहुंचा जा सकता है। चंदन सोचते हुए बोला, पर हम समुद्र पार कैसे करेंगे? विक्रम ने हठी आह भरते हुए कहा, नाव बनाकर। हमको एक नाव बनानी होगी, ऐसा कहकर वो चंदन को देखने लगा। चंदन अचकता हुआ बोला, मैं? मुझे नाव बनानी नहीं आती, तुम ही लोग बनाओ। सुमन मुस्कुराती हुई कहती है, हम सिखा देंगे आपको नाव बनाना। चंदन उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखता है और कहता है, जी बिल्कुल, यदि आप सिखाएंगे तो हम जरूर सीखेंगे। विक्रम चंदन को अजीब नजरों से घूरता है। तीनों पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करके नाव बनाते हैं और उसमें सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। दो दिन नाव में तैरने के बाद वो तट पर पहुंचते हैं। चंद्र नाव को एक नारियल के पेड़ से बांध देता है। विक्रम कहता है कि तो ये है राजकुमारी फूलमती का देश, सुमन जी? राजकुमार, परंतु ये तो राज्य का पिछला हिस्सा है। राजकुमारी को उस दुष्ट मंत्री ने यहाँ नजर बंद रखा हुआ है। चंदन अपना सिर खुजलाता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, परंतु हम राजकुमारी तक पहुँचेंगे कैसे?
सुमन चंदन को देखकर मुस्कुराती है। चंदन समझ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये जब भी मुस्कुराती है कोई ना कोई करामात करती है। सुमन अपने मुंह से एक अजीब आवाज निकालती है जिसे सुनकर एक घुड़ सवार दौड़ता हुआ आता है। वह तीनों के पास आता है। विक्रम एक बूढ़े को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। तभी सुमन उस आदमी को देखकर कहती है, चाचा जी आप कैसे हैं? घुड़सवार बोलता है, बेटी तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा है और ये लोग कौन हैं? सुमन बोलती है, अरे अरे चाचा जी, इतने सारे सवाल एक साथ, मैं यहाँ इन दोनों को मदद से आई हूँ और यह है कुंतल देश के राजकुमार विक्रम और उनके मित्र चंदन। ये यहाँ राजकुमारी से विवाह करने आए हैं, यह मेरी पिताजी को छुड़ाने में मदद करेंगे। घुड़सवार सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा बहुत अच्छा है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता? राजकुमार बोलते हैं, आप हमें महल में अंदर जाने में मदद कीजिए। घुड़सवार बोलता है, बिल्कुल, कल यहाँ मंत्री एक जलसा करने जा रहा है, आप लोग तब महल में प्रवेश कर लीजिएगा। इतना कहकर घुड़ सवार चला जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ खाने के सामान और एक तंबू समेत लौटता है। घुड़ सवार बोलता है, ये लीजिए, आप लोग भोजन करके आराम कीजिए, कल मिलते हैं। भोजन करके सो जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग महल में जाने को तैयार होते हैं। सुमन फिर एक अजीब सी आवाज निकालती है और थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार वापस आता है। घुड़सवार बोलता है, तो आप लोग तैयार हैं चलने को? ये देखिए, आप लोग इन कपड़ों को पहन लीजिए, ये जलसे में नाचने वाले के कपड़े हैं, आप ये पहनकर अंदर आसानी से जा सकेंगे। तीनों वो कपड़े पहन लेते हैं। सुमन चमकदार कपड़ों में सुंदर लगती है। चंदन उसे मुंह फाड़े देखे ही जा रहा था। विक्रम ने जब ये देखा तो उसने चंदन का मुंह बंद करते हुए कहा, मित्र मुंह में कोई जीव घुस सकता है। क्या बात है, ऐसे क्या निहार रहे हो उसको? चंदन बोलता है, मित्र अब तुम तो दूल्हा बन जाओगे, मैं भी सोच रहा हूँ लगे हाथ मैं भी ब्याह रचा लूँ। विक्रम हंसते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, पहले हम राजकुमारी से मिल तो ले। ये कहकर तीनों चलते हैं। एक बड़े से प्रवेश द्वार पर आकर तीनों रुक जाते हैं। सैनिक उनको देखकर कहता है, नाचने गाने आए हो? तीनों सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। सैनिक कहता है, जाओ जाओ। तीनों अंदर आते हैं। चारों तरफ सजावट हो रखी है, रंग बिरंगे फूलों से महल को सजाया गया है। तभी मंत्री जो कि राजा बन चुका था, उसका आगमन होता है। सभी खड़े हो जाते हैं। राजा गद्दी पर बैठता है और सबको बैठने का इशारा करता है। फिर राजकुमारी का प्रवेश होता है। गुलाबी लहंगा पहने हुए सुंदर कौन वर्ण वाली हिरनी जैसी आँखों वाली राजकुमारी को देखते ही राजकुमार का हालत बेहाल हो जाता है। वो एक टक राजकुमारी को देखते रह जाते हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी उन्होंने पहली बार देखी थी। तभी चंदन विक्रम की आँखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोलते हैं। तब राजकुमार को होश आता है। विक्रम बोलते हैं, मित्र इतनी सुंदर राजकुमारी तुमने कभी देखी है? सही कहते थे लोग, वाकई में फूलमती बिल्कुल फूलों जैसी है। चंदन भी अपनी सहमति जताता है। तभी सुमन आकर दोनों को बोलती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ योजना बनाई की नहीं? विक्रम दोनों को अपने करीब बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। विक्रम की योजना अनुसार रात को जब जलसा खत्म हो जाएगा और सब सो जाएंगे, तब वो फूलमती के कक्ष में जाकर उसे सब बताएगा।
जलसे में नाच गाने के बाद राजकुमार सैनिकों की नज़र से बचकर कमरे में छुप जाते हैं। रात गहरी होने लगती है। विक्रम राजकुमारी के कक्ष का मुआयना करता है। कक्ष बहुत बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। बड़े मसनद पलंग पर पड़े हुए थे। एक कोने में आदम कद सीसा लगा हुआ था। एक तरफ दीवार पर फूलमती का आदम कद चित्र लगा हुआ था। राजकुमार को कमरा बहुत पसंद आया। वो फूलमती के चित्र को निहार रहे थे, तभी बाहर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। वो एक पर्दे के पीछे छिप गए और देखने लगे कि राजकुमारी अपनी दासियों सहित कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। दासियां फूलमती के आभूषण उतार रही थी। बिना आभूषणों के भी फूलमती बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार एक टक उन्हें निहार रहे थे। दासियों ने भरी भरकम पोशाक उतारने लगी तो विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कक्ष के दिए बुझ गए, बुझा दिए गए। कुछ दिए जलते हुए छोड़ दिए गए ताकि प्रकाश रह सके। दासियों के जाने के बाद राजकुमारी सो गई। विक्रम पर्दे के पीछे से निकलकर राजकुमारी के पलंग के पास खड़ा हो गए। वो फूलमती को लगातार देखे जा रहे थे कि अचानक राजकुमारी की आंख खुल गई। अपने सामने एक अजनबी को देखकर वो जोर से चिल्लाई। राजकुमार ने घबराकर फूलमती के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुप चुप मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। लेकिन राजकुमारी ने उनके हाथ पर काट लिया और फिर जोर से चिल्लाई। अब की बार राजकुमार ने अपनी कमर पट्टे से कटार निकाल निकाली और राजकुमारी के हाथ पकड़ लिया और बोला, राजकुमारी मेरी बात सुनो। फूलमती गुस्से से बोली, कौन हो तुम और इस तरह से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राजकुमार विक्रम बोले, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। मैं इतनी दूर से आपसे विवाह करने आया हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करूँगा। राजकुमारी उसे एकटक देखे जा रही थी। उनको विक्रम की आंखों में सच्चाई नजर आई। वो शांत होकर पलंग पर बैठ गई और उन्होंने विक्रम को भी बैठने के लिए कहा। विक्रम ने सारी बात फूलमती को बताई। उन्होंने ये भी बताया कि राजा की हत्या राज्य वैद्य ने नहीं बल्कि मंत्री ने की है। इतना सुनकर फूलमती बोली, संदेह तो मुझे पहले से ही था। पिताजी महाराज ठीक लग रहे थे और राज्यवैद तो शुरू से हमारे यहाँ आ रहे थे। तभी वो मंत्री मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैं उस कमीने और अधेड़ उम्र के आदमी से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार बोले, राजकुमारी तो उस मंत्री को मृत्यु दंड देकर राज्य वैद्य को छुड़ाते हैं। राजकुमारी बोली, ऐसे कैसे राजकुमार? उसके साथ सारे सैनिक हैं, हम कैसे उन्हें उन लोगों को यकीन दिलाएंगे? राजकुमार ने एक युक्ति निकाली। दूसरे दिन राजकुमारी ने अपने पिताजी के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और उनको अपने कमरे में छुपा दिया। फिर दासियों से मंत्री को बुलाने को कहा। मंत्री राजकुमारी का बुलावा सुनकर दौड़ा चला आया, क्योंकि राजकुमारी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। राजकुमारी ने उसको अपनी अदाओं से रिझाकर खूब मदिरा पिलाई। मदिरा के नशे में मंत्री ने सारी सच्चाई उगल दी। ये सब सुनकर कमरे में छिपे सैनिक और राजा के वफादार निकल आए। उन्होंने मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया और राज्य वैद्य को रिहा कर दिया। राजकुमारी बहुत खुश थी। उन्होंने विक्रम से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर चंदन ने भी सुमन का हाथ उसके पिताजी से मांग लिया। महल में विक्रम और फूलमती तथा चंदन और सुमन का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजकुमार ने अपने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। सभी ने भारी मन से चारों को विदा किया। चारों अपने देश लौट आए।
राजकुमार विक्रम अपनी पत्नी फूलमती रानी को लेकर अपने देश लौट आए। राज्यवासियों और बाकी भाई और भाभियों ने दोनों का स्वागत किया। राजा रानी भी अपनी सबसे छोटी बहू को लेकर बहुत खुश हुए। उधर चंदन और उसकी पत्नी का भी अच्छा स्वागत किया गया। राज्य में जलसा किया गया। दूसरी तरफ पांचवें और छठे नंबर की रानी बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। विक्रम उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोले, कैसी है मेरी प्यारी भाभी? आपको आपकी देवरानी कैसी लगी? दोनों ने चिढ़कर मुंह बना लिया। राजकुमार आगे बोले, देख लीजिए, फूलमती ही है, जैसा आपने कहा था लाने के लिए लेकर आ गया। दोनों पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। इतने में बड़ी भाभी आई और राजकुमार से खुश होते हुए बोली, वाह देवर जी, आपने तो दिल खुश कर दिया, जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। राजकुमार बोले, सब आपका आशीर्वाद है भाभी। दोनों हंसने लगे। राजकुमार विक्रम और फूलमती रानी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। उधर दूर काली पहाड़ियों की गुफा, जो बाहर से संकरी थी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी, पतले से रास्ते से निकलकर अंदर आने पर एक तालाब था, जिसमें कई कमल के फूल खिले हुए थे। उसके चारों तरफ कई रंग बिरंगे फूल और पौधे थे। बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे, जिनको देखकर ये लगता था कि किसी ने ये बगीचा खुद लगाया है। बगिया के बीचों बीच पत्थर का एक सकरा रास्ता था, जो कि एक हॉल की तरफ जाता है। उसके अंदर प्रवेश करते हुए सामने एक बड़ा सिंहासन था, जो कि काले रंग की धातु का बना हुआ था। एक तरफ आराम करने के लिए एक बड़ा पलंग था। एक तरफ किसी देवता की भयावह मूर्ति थी, जो कि देखने में काले जादू की लग रही थी। उसके सामने एक कुंड था, जो कि ज्वाला से प्रज्वलित था, जिसके पास नींबू, मानव खोपड़ी आदि पड़े हुए थे। एक तरफ एक सुंदर सोने का बना पिंजरा था, जिसमें एक तोता था। ये गुफा थी झिलमिल जोगी की थी। झिलमिल जोगी, जो कि एक बड़ा और ताकतवर जादूगर था, जिसके जादू का कोई तोड़ ना था। झिलमिल जोगी बहुत ही बड़ा जादूगर था। उसे अपने जादू पर बड़ा घमंड था। वो ना सुनने का आदि नहीं था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उन्हें जादू से कुछ भी बना देता था। एक बार वह अपनी गुफा में टहल रहा था। उसके पास एक जादुई कांच का गोला था, जिसमें वह दुनिया जहान में कुछ भी देख सकता था। टहलते हुए वह रुका और जादुई गोले में देखकर कहा, ए मेरे जादुई गोले, बता दुनिया में नया क्या हुआ? जादुई गोले में तस्वीरें दिखती हैं, अचानक उसमें विक्रम और फूलमती दिखते हैं। झिलमिल जोगी की निगाह फूलमती पर रुक जाती है। वो उसे देखते ही दीवाना हो जाता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है, इतनी सुंदर रानी मैंने आज तक नहीं देखी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। उसने गोला से पूछा, ए जादुई गोले, बताइए यह औरत कौन है और कहाँ है? जादुई गोले से आवाज आई, ए मेरे आका, कुंतल देश के सबसे छोटे राजकुमार विक्रम की पत्नी है ये रानी फूलमती। कुछ ही दिन पहले इसका विवाह हुआ है। झिलमिल जोगी जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, यह अब मेरी रानी बनेगी, और निकल गया फूलमती रानी को लेने के लिए। झिलमिल जोगी अपने जादू से उड़ते हुए कुंतल देश पहुँच गया। उसने आकाश में ही खड़े हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। तब उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वह समझ गया कि यही राजा का महल है और फूलमती रानी भी यही मिलेगी। वह उड़ता हुआ महल की खिड़कियों के पास आया और उसमें झांकने लगा, पर उसे कुछ ना दिखा। वह निराश हो गया और महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसने एक साधु का रूप धरा और द्वार पर पहुंचा। जोगी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही,
द्वारपाल बोला, अरे अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? जोगी बोला, हम बहुत दूर से आए हैं, बच्चा, हम तो भिक्षा चाहते हैं। जोगी उसे कुछ जादू दिखाता है, वह अपने जादू से द्वारपाल का भाला केले से बदल देता है। द्वारपाल हैरान रह जाता है, वह दौड़ा दौड़ा महल के अंदर गया और बड़ी महारानी से बोला, महारानी जी, एक बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हैं, आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। इस समय महाराजा राजकुमार विक्रम दूसरे राज्य के राजा के यहाँ विवाह में गए थे, बाकी 6 राजकुमार शिकार पर गए थे, महल में 7 रानियाँ ही थी, बड़ी रानी बाबा को बुलाने की आज्ञा देती हैं। जोगी द्वारपाल के साथ अंदर आता है, रानी उसको नमस्कार करती हैं। जोगी बोलता है, भिक्षाम देही रानी, भिक्षाम देही। रानी बोलती है, जी महाराज, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जी अवश्य रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को तो बुलाइए। जोगी जी ने खुश होते हुए कहा। सबसे बड़ी रानी ने दासी को इशारा किया, दासी अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाकी रानियां आ गई। झिलमिल जोगी सभी रानियों को घूर कर देखने लगा। सभी रानियां एक से बढ़कर एक थी, सभी सुंदर थी। अंतह में उसका दृष्टि फूलमती रानी पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, इतनी सुंदर नारी। वह मन ही मन उसके रूप के रस का पान कर रहा था, तभी बड़ी रानी ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया। भिक्षा लीजिए महाराज। जोगी बोला, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, कोई और दे हमें। दूसरे नंबर की रानी ने देना चाहा, पर जोगी ने उससे भी ना लिया। इस तरह 6 की 6 रानियों ने कोशिश की, परंतु जोगी ने भिक्षा ना ली। अंत में फूलमती ने आग्रह किया, जोगी उसके पास आया। जैसे ही फूलमती ने हाथ आगे बढ़ाया, जोगी ने मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाया, पूरे कक्ष में धुआं भर गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं छट गया, सबने देखा जोगी खूब जोर से हंस रहा था। सबसे बड़ी रानी बोली, कौन हो तुम और हमारे साथ यह छल क्यों? जोगी हवा में उड़ रहा था, हंसते हुए बोला, मेरा नाम झिलमिल जोगी है, मैं एक जादूगर हूँ। फूलमती रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसलिए उसको यहाँ से लेने आ गया। तभी सबकी नजरें फूलमती रानी पर गई, पर वह तो अपने स्थान पर नहीं थी। तीसरे नंबर की रानी ने कहा, फूलमती कहाँ गई, वह यहाँ नहीं है। जोगी ठहाके करते हुए बोला, वह यहाँ है। एक बोतल को दिखाते हुए जोगी बोला, उसने फूलमती को गुड़िया बनाकर बोतल में कैद कर लिया था। जोगी हवा में उड़ते हुए बोले, अब यह मेरी बनेगी, और हंसते हुए ऐसा कहकर खिड़की से बाहर निकल गया। 6 रानी सिर पकड़कर बैठ गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद उनके पति आए, जब वे महल में पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर चकित रह गए। मातम सा माहौल हो रखा था। 6 रानियाँ सिर झुकाकर बैठी हुई थी। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, यह महल में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? ये सुनकर सभी रानियों की रुलाई फूट गई। उन लोगों ने सारा हाल कह सुनाया। राजकुमारों को बहुत क्रोध आया। 4th नंबर का राजकुमार बोला, मैं उस जादूगर को छोड़ूंगा नहीं, उसने हमारे घर की बहू का अपहरण किया है। सभी राजकुमारों ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। ये सुनकर बड़ी रानी बोली, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक जादूगर है। उसने अपने जादू से फूलमती को गुड़िया बना लिया। आप लोगों का वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? हमारा भाई क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
ये हमारी इज्जत का सवाल है। चलो, हमें फूलमती को बचाना है, ये समय बातों का नहीं है। छह राजकुमार फूलमती की तलाश में निकल पड़े। राजकुमारों ने फूलमती को बहुत ढूंढा, पर उन्हें उसका कोई सुराग ना मिला। चलते चलते वे बहुत थक गए थे, सो एक पेड़ की छाव में बैठ गए। अभी सभी भाई सुस्ता रहे थे कि उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। सभी राजकुमारों ने आवाज की दिशा में देखा, एक तोता और तोती बैठे हुए हैं एक डाल पर। तोता बोला, और बता तोती, क्या हाल चाल है, कोई नया समाचार? तोती बोली, अपने तो वही हड्डी वही खाल है, नया समाचार सुनो, झीलमती जोगी फूलमती रानी को जबरन उठा लाया है। तोता आश्चर्य से बोला, क्या कहती हो, इस दुष्ट की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। उनको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि ये पक्षी कैसे इंसानी भाषा बोल रहे थे। सबसे बड़े राजकुमार ने उन दोनों को आवाज दी, सुनिए, इधर देखिए, बोलो, क्या कहना चाहते हो, कौन हो आप सब? तोता बोला। बड़े राजकुमार ने सारी बात उन दोनों को विस्तार से बताई। तोती बोली, हम उसी जादूगर की गुफा में रहते थे, हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। यह इंसानी भाषा उसने ही हमें जादू से सिखाई थी। एक बार वह हमारी बलि देने देना चाहता था, हम तो बच निकले, पर हमारा एक साथी वहाँ रह गया। फिर तोते ने कहा, वो बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। चौथा राजकुमार बोला, हम हराएंगे उसे और उसको उसकी गलती के लिए सजा भी देंगे, तुम लोग केवल उसका पता बताओ। तोते ने उन्हें उसका पता बता दिया और सभी राजकुमार उसी दिशा में चल पड़े। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर वे लोग काली पहाड़ी की गुफा में पहुँचे। अंधेरी गुफा में काफी चलने के बाद गुफा एक बहुत बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कोने में एक झरना बह रहा था, पक्षी बिहार कर रहे थे। राजकुमार इतना मनोरम दृश्य देखते ही रह गए। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने इसे बनाया है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए पांचवें राजकुमार ने कहा, भाई, यह एक जादूगर का बाग है, सुंदर तो होगा ही। हमें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, हमें फूलमती को छुड़ाना है। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, सबसे बड़े राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा। बगिया के बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि झिलमिल जोगी की हालनुमा कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही तीसरे नंबर के राजकुमार ने उस पर अपना पैर चमाया, वो धड़ाम से गिर गया। बाकी राजकुमार उसे देखकर रुक गए और आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल रास्ता दिखने में पक्का लग रहा था, परंतु वहाँ पानी था जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। छठे नंबर के राजकुमार ने परेशान होते हुए कहा, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरे नंबर के राजकुमार ने कहा, हम तैर कर जाएंगे। जादूगर ने अपनी माया से इसे रास्ते को पत्थर को दिखाया है। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही पानी में गिर जाते हैं। सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वो लोग तैरते हुए राजकुमार के जादूगर के कमरे के दर तक पहुँचते हैं। इधर जादूगर ने फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ है और खुद अपने जादुई गोले में राजकुमार को आते हुए देख रहा था। इससे पहले राजकुमार उसके पास पहुंचते, वो खुद ही उनके पास पहुंच गया। झिलमिल जोगी और छह राजकुमार आमने सामने खड़े थे। उनको देखकर जोर से हंसा और कहा, बोलो, तुम लोग फूलमती को लेने आए हो? सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से से बोला, फूलमती को छोड़ दे नीच जादूगर, नहीं तो क्या कर लोगे,
सुन राजकुमार, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है झिलमिल जोगी से। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ, देखना चाहते हो मेरी ताकत? देखो, जोगी बोला और उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक चमक उसके हाथ से निकली। सबसे पीछे बड़ा खड़ा राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बाकी राजकुमार ये देखकर सन रह गए। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपके, लेकिन जोगी ने उनको भी अपने जादू से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गए। इधर राजकुमार विक्रम अपने माता पिता के साथ अपने राज्य पहुँचे। अपने राज्य पहुँचते ही उनको फूलमती के अपहरण होने की खबर मिली। जब रानियों ने छह राजकुमारों के फूलमती की खोजने खोज में जाने की बात बताई तो विक्रम चिंतित हो गए। उन्होंने फूलमती और भाइयों की खोज करने की ठान ली। जब वह चलने को हुआ तो उसके दोस्त चंदन ने भी साथ चलने की जीत की। विक्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, वहाँ बहुत खतरा है और बाकी भाई यहाँ नहीं है, तुम यहाँ रुको पिताजी महाराज के पास। ये कहकर राजकुमार विक्रम झिलमिल जोगी के ठिकाने की तरफ निकल गए। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करने के बाद वह उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां बाकी राजकुमार ठहरे थे। वह भी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसको भी तोता और तोती का जोड़ा मिला। उन तोतों ने झिलमिल जोगी की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि उसके भाई भी उसकी तलाश में इधर से ही निकले हैं। राजकुमार विक्रम ने उनसे झिलमिल जोगी का पता पूछा और उनकी खोज में निकल गया। जल्द ही वो उनके ठिकाने पर पहुंच गया। एक अंधेरी गुफा में बहुत देर चलने के बाद वह खुले आकाश के नीचे आ गए। उसी सुंदर बगीचे में वह चलते चलते एक पत्थर से टकरा गए। उसने नजर उठाकर देखा तो एक घुड़सवार की मूर्ति थी। वह चौंक गए। उसने चारों तरफ निगाह उठाई तो वहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ थी। कोई घोड़े पर बैठा था, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, कोई जमीन पर बैठा हुआ तो कोई तलवार लहराता हुआ। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, आखिर इतनी मूर्तियाँ यहाँ कैसे? उन मूर्तियों को गौर से देखते हुए वह चल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ी जो कि उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। उसने और गौर से देखा तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चला कि यह उसका बड़ा भाई है। ढूंढते हुए उसको बाकी के भाई भी मिल गए, परंतु राजकुमार ये देखकर दुखी हो गया कि उसके भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। वह उसकी हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दिमाग लगाया कि यदि वह ताव में आकर ऐसे ही अंदर गया तो हो सकता है जादूगर उसको भी पत्थर की मूर्ति में बदल दे। उसको थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने वह अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही वह गायब हो गया। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वह कमरे में पहुंचा, उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी फूलमती नहीं दिखी। वह हताश हो गया और सोचने लगा कि फूलमती को कहाँ ढूंढे। राजकुमार सोच ही रहे थे कि फूलमती को कहाँ ढूंढे, तभी एक मक्खी उनके पास भिनभिनाते हुए आती है। राजकुमार का ध्यान भंग होता है। वो उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता है। वह मक्खी फिर सामने आकर भिनभिनाती है जिससे राजकुमार परेशान हो जाते हैं। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस अदृश्य हो जाते हैं जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। थोड़ी ही देर बाद झिलमिल जोगी आता है। वह चारों तरफ निगाह घुमाता है कि सब ठीक है या नहीं। फिर अपने बिस्तर पर बैठकर आराम फरमाते हुए शराब का मजा ले रहा था।
रात होने लगती है, विक्रम अदृश्य होकर उसकी हरकत देख रहा होता है। नशे में चूर होने पर जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूंकता है और पलक झपकते ही मक्खी फूलमती बन जाती है। राजकुमार ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि तभी यह मक्खी उसके पास आ रही थी बार बार, यह मक्खी नहीं मेरी फूलमती थी। वो दुखी हो उठता है। इतने में जोगी बोलता है, हे सुंदरी, क्यों दूर हो मुझसे? देखो मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ, मुझसे विवाह कर लो, तुम बहुत सुखी रहोगी। फूलमती क्रोध में कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूँगी। मेरे पति मुझे खोजते हुए आते ही होंगे, वो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे, देख लेना। जोगी जोर से हंसते हुए कहता है, मूर्ख स्त्री, वो क्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके भाइयों को तो मैंने पत्थर बना दिया है, अगर वह यहाँ आया तो उसका भी वही हाल करूँगा। ये सुनकर फूलमती रोने लगती है। जोगी फिर कहता है, दो दिन बाद पूनम की रात है, उस रात तुझसे विवाह करके तेरी बलि दूंगा, फिर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। और वो हंसने लगता है। ये कहकर जोगी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विक्रम अपनी अंगूठी उतारते हैं और फूलमती के पास जाते हैं। फूलमती जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। विक्रम बोलते हैं, उठो राजकुमारी, देखो विक्रम आए हैं। ऐसे बोल सुनकर फूलमती मुंह उठाकर देखती और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराते हैं। फिर फूलमती बोलती है, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ से ले चलिए, ये जादूगर बहुत दुष्ट है। विक्रम बोलते हैं, घबराओ नहीं फूलमती, मैं तुमको और अपने भाइयों को यहाँ से सकुशल ले जाऊंगा, पर इस जोगी को ऐसी सजा दूंगा कि यह याद रखेगा। तभी पिंजरे में से तोता बोलता है, हाँ राजकुमार, जरूर देना सजा। राजकुमार उस तोते के पास पहुंचता है और उससे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। तोते से बात करने पर पता चलता है कि झिलमिल जोगी ने जादू से अपनी जान तोते में डाल दी है, इसलिए कोई उसे नहीं मार सकता। राजकुंवर ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि फिर उसे कैसे मारा जा सकता है? तोता बोला, उसको मारने के लिए एक ही तरीका है, तुम मेरी गर्दन दबोच देना, जिससे उसके प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार बोला, पर इससे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तोता बोला, नहीं राजकुमार, कोई और उपाय नहीं है। आप सुनिए, जब पूर्णमासी पर पूरा चांद निकलेगा, तब आप मेरी गर्दन दबोच देना, जादूगर के प्राण निकल जाएंगे, फिर आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो गए और बोले, अब जोगी की मौत निश्चित है, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। मेरे भाई वह कैसे ठीक होंगे? तोता बोला, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई जिंदा हो जाएंगे। राजकुमार और तोते की बात सुनकर फूलमती बोली, अब हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार, आप जल्दी से गायब हो जाइए, जोगी आने ही वाला होगा। राजकुमार गायब हो गए, तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद जोगी नशे में धुत आया और सो गया। अगले दिन पूर्णमासी थी, सुबह ही जोगी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगा और जाते हुए बोला कि आज तुमसे विवाह करके मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा, तैयार रहना। रात हो गई, जोगी अपने जादू क्रिया की तैयारी करने लगा। एक तरफ मंडप था जिसमें हवन कुंड में आग लग रही थी। जोगी ने फूलमती को तैयार होने को कहा, फूलमती तैयार हो गई।
जोगी फूलमती को जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगा। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। वो चिल्लाकर बोला, कौन है, किसने मारा मुझे? इतने में एक धक्के से जोगी की टोपी नीचे गिर गई। फिर ऐसा लगा कि जोगी को किसी ने छाती पर लात मारी। जोगी जमीन पर गिर गया। फूलमती ये देखकर हंसने लगी। वह समझ गई कि ये राजकुमार की हरकत है। जोगी बौखला गया। उसने अपने जादुई गोले में देखा तो उसको सब समझ आ गया कि यहाँ फूलमती के अलावा राजकुमार भी है। वह चौकन्ना हो गया। उसने राजकुमार को ललकारा और बोला, ये छुप छुप कर क्यों वार कर रहे हो? राजकुमार, मुझसे डर गए क्या? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो। जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार अंगूठी उतार कर सामने आ गए और बोले, हाँ बोल दुष्ट, मैं यहाँ हूँ। अच्छा तो तुम हो राजकुमार विक्रम, अपनी पत्नी को यहाँ से छुड़ाने आए हो? मौत का डर नहीं लगता है तुझे? जोगी अकड़ते हुए बोला, मैं मौत से नहीं डरता दुष्ट जादूगर। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और अपने भाइयों को भी, वो भी तुझे मौत की नींद सुलाकर। विक्रम साहस दिखाते हुए बोला। जोगी ने विक्रम पर नजर डाली तो देखा अंगूठी उसके हाथ में ही है। वो ये समझ गया कि इस अंगूठी के सिवाय इसके पास और कुछ जादुई नहीं है। अगर इससे यह अंगूठी ले ली जाए तो यह एक आम इंसान है मेरे लिए। उसने देर ना करते हुए राजकुमार को धक्का दिया। विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। उसके हाथ से वो अंगूठी गिर जाती है। जादूगर फुर्ती से उसे उठा लेता है और हंसता हुआ कहता है, वो इस अंगूठी से की वजह से इतना उछल रहे थे ना राजकुमार, अब ये हमारी हुई। और इतना कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बिजली सी चमक होती है और विक्रम पर गिरती है। विक्रम अपनी जगह जड़ हो जाता है। वह देख और समझ तो सकता है परंतु कुछ कर नहीं सकता। जोगी उसके सामने से फूलमती को ले जाने लगता है परंतु वह नहीं जाती तो वह उसे घसीटते हुए ले जाता है। फूलमती, राजकुमार बचाओ की आवाज लगाती हुई घसीटने लगती है। जोगी मंडप में उसे जबरदस्ती बैठाकर अपनी जादुई क्रिया करने लगता है। फूलमती देखती है कि जोगी आंखें बंद किए हुए मंत्र बुदबुदा रहा है। वो उसके कमर बंद से वो अंगूठी निकाल कर लेती है। जोगी अभी भी अपने मंत्र बुदबुदा रहा है। वो चुपके से उसकी छड़ी भी उठाती है और जोगी को धक्का देकर भागती है। परंतु हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वह गिर पड़ती है। उसके गिरते ही जोगी उसके पैर पकड़कर पीछे खींचता है। फूलमती अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है परंतु वह उसे उठा नहीं पाते। तभी पिंजरे में से तोता चीखता है, राजकुमारी वो छड़ी तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वो छड़ी तोड़ देती है। जोगी गुस्से से चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर गिरा देता है और बोलता है, मूर्ख राजकुमारी, यह तूने क्या किया? छड़ी टूटते ही जोगी की आधी ताकत खत्म हो गई। छड़ी टूटने से जादू टूट गया और विक्रम पहले जैसा हो गए। उसने फुर्ती से वो अंगूठी उठाई और पहन ली। अंगूठी पहनते हुए वो फिर गायब हो गया। उसने जोगी को मारना शुरू किया। राजकुमार जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने जादू को आजमाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने में तोता पिंजरे में से चिल्लाया, राजकुमार वो घड़ी आ गई, जल्दी करो। तोते के याद दिलाने पर राजकुमार पिंजरे के पास पहुंचते हैं और तोते को निकालकर उसकी गर्दन दबोच देते हैं। जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, और उसके प्राण निकल जाते हैं। तोता भी मर जाता है। राजकुमार को जादुई जल की याद आती है। वो जल उठाकर तोते के मुंह में डाल देते हैं। अगले ही पल तोता जीवित हो जाता है।
तोता कहता है, शुक्रिया राजकुमार, आखिर आपने झीलमिल जोगी से मुक्ति दिला ही दी, और ऐसा आपने मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों को मुक्त किया है। ऐसा कहते ही तोता एक सुंदर नव युवक में बदल गया। विक्रम उसे देखकर हैरान हो गए। नव युवक आगे बोला, हैरान मत होइए राजकुमार, दुष्ट जोगी ने अपने जादू से मुझे और मेरे भाई वह उसकी पत्नी को तोते में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर यहीं उड़ते फिरते रहते थे। एक दिन उसने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। मेरा भाई मेरी जान बचाने के लिए उड़कर भाग गया। उसे जो भी मिलता वह जोगी की कहानी बताकर मदद की अपील करता, पर कोई भी जोगी को मार नहीं पाया। ये तुमने कर दिखाया राजकुमार, तुम बहुत बहादुर हो विक्रम। नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, चलो यहाँ से चलें। विक्रम फूलमती का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि पहले जहाँ बगीचे में बहुत सारी मूर्तियाँ थी, अब वहाँ नव युवक और नव युवतियाँ हैं। सभी सिर झुकाकर विक्रम को धन्यवाद करते हैं। ये सब जोगी के जादू से मूर्ति बन गए थे, अब सब आजाद हैं। राजकुमार की निगाह तो अपने भाइयों को ढूंढ रही थी, तभी सामने से भीड़ को चीरते हुए सभी राजकुमार आते हैं। उनको देखते ही विक्रम अपने भाइयों के गले लग जाते हैं। सबसे बड़ा राजकुमार, शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया, तुम वाकई में हम सबसे बहादुर हो। तीसरे राजकुमार, बहुत धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हम सबको बचा लिया। विक्रम भाई को गले लगाते हुए बोले, नहीं भैया, ये सब तो इन लोगों जो तोता थे की वजह से हुआ है। चलिए घर चलते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, अपने घर जाने लगते हैं। तोते से इंसान बने हुए नौ युवक भी और उसके भाई और भाभी ने धन्यवाद दिया। सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आए। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया और इस तरह इस किस्से का अंत हुआ। कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताइएगा कमेंट करके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।